सो वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं एक और, मतलब मैं निकल रहा हूँ अभी, बताऊँगा मैं कैसे कैसे जा रहा हूँ। ये तो मेरी बाइक है, देख लो। घर से निकलते समय मैंने सुबह के 5 बजने में 5-10 मिनट बाकी हैं और मैं निकल रहा हूँ अपना ये वाली बाइक से। अभी मेरे को किसी को ड्रॉप करना है, बता रहा हूँ। पूजा आ रही है मेरे को, पहले पूजा को नई दिल्ली ड्रॉप करना है, उसके बाद मैं सीधा निकलूँगा यश के साथ। अभी बताता हूँ आपको पूरी स्टोरी, अभी तो पहले मैं बता रहा हूँ बस, मैं निकल रहा हूँ इतने बजे। सो मिलता हूँ, बताता हूँ आपको कौन कौन चल रहा है मेरे साथ। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ गोलू के घर पर और ऊपर गोलू आ रहा है एंड वी विल बैक। और हमारे साथ आ चुकी है अपना पूजा। थोड़ा कैमरा साफ कर ले, कैमरा बड़ा गंदा है यार। हाँ तो गाइस थोड़ा सा क्लियर हुआ है और पूजा आ चुकी है। अबे अच्छा शाल ले रखी है तूने, मैं कहा इतनी जल्दी ठंड नहीं लगेगी। ये अंकल आ रहा मज़ा है, यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी तेरे को, यहाँ से चढ़ जाएगी ना, भीड़ नहीं मिलेगी। तो यहीं चेकिंग होती है बस, जो होती है उसके बाद फिर कहीं चेकिंग नहीं होती। पहला छोड़ दूसरा पे होगा, चलो बाय। ओके गाइस सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा ही डायरेक्ट आगे वृंदावन के लिए, होप फॉर द बेस्ट। नाउ गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी हंटर की बाइक पे, पिछली सी और अभी से बैठा फिर आराम से। तो भैया यहाँ से बिता 7-12 घंटा वेट करा रेस्ट कर, जो जहाँ बाइक पे पार्किंग में खड़ी करता वो बंदा आया नहीं था। मैंने बाइक खड़ी कर दी वहाँ पे मोहन स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के नीचे, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। सो गाइस फाइनली बाइक भी वहाँ खड़ी कर दिया और जा रहे हैं दर्शन करने। इसका रिव्यू दूंगा बढ़िया सा कि क्या है, किस टाइप की बाइक है देखना। और यार ठंड बहुत है, अभी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, ना शरीर सिकुड़ रहा है, इधर भी है ठंडा मौसम, लेकिन वापसी में गांड फटेगी जबरदस्त वाली। तो लेट्स सी। गाइस फाइनली अपने दर्शन हो गए अच्छे खासे, लेकिन इस बार इतना रश नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे खासे दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया। और बस हार्डली 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं लगे मंदिर के अंदर दर्शन करने में, बिहारी जी के दर्शन हो गए, प्रसाद चढ़ा दिया, बस अब चलते हैं बाहर। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। देख सकते हैं आप कितना अच्छा क्राउड है, मज़ेदार फर्स्ट क्लास। सो गाइस देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे, मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहूँगा भाई साहब, लेकिन तो गाइस यहाँ पे देखो हम गन्ने का जूस पीते हैं। तो लेट्स सी, पहली बार देख रहा हूँ मैं वाली मशीन की, देखो गन्ना अपने आप अंदर जा रहा है और देखो वहाँ से जूस निकल के आ रहा है। वाह यार, मतलब फर्स्ट टाइम देखी। नो 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 नो, यू हैव सेव मनी, यू कैन बाय दिस गाइस, यू हैव दिस मनी, यू कैन बाय, तो बनी पैसे खर्च करो ना, यू हैव सेव नो मनी। तो गाइस फाइनली नाउ टाइम टू लिविंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और अब जा रहे हैं सामने प्रेम मंदिर है और यश खरीद रहा है अपना घर के लिए जो है पेड़े। तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। और जो गर्मी जितनी सुबह ठंड लग रही थी उतनी ही ज़्यादा हमारे को गर्मी लग रही है, बॉडी जो है हीट मार रही है, हमारी शरीर में गर्मी भरी पड़ी है हमारे, ना देख सकते हो आप शरीर में पूरी गर्मी जो है ना अच्छे खासी भरी पड़ी है, मतलब बता सकता। और बाइक का अच्छा खासा रिव्यू है, बस ये है कि ना इसको चला रहा हूँ ना तेज, तो जैसे छाती पर हवा लग रही है काफ़ी तेज़, क्योंकि इसकी विंडशील्ड उतनी ऊँची नहीं है, बाकी गड्ढे में बड़ा ध्यान से चलाना पड़ रहा है। बाकी पावर तो ठीक है, ओके रिपोर्ट पावर है। सीट थोड़ी सी यश कह रहा है कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि पीछे मैं बैठूंगा, मेरे को लगा चला के तो मैं लाया था, तो आगे वाले तो ठीक थी, मेरे को चिपक के बैठे हुए थे। तो लेट्स सी, बाकी ओवरऑल बाइक सिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। मैं हाईवे पे थोड़ा प्रेफर नहीं करूँगा कि लॉन्ग राइड के लिए, लेकिन करने वाले तो सब करते ही हैं, जिसकी गाड़ी जितना कूदा है वो उतना लंका में कूद जाता है। तो लेट्स सी, बस यश पेड़ी ले ले उसका, सीधा यहाँ से डायरेक्ट हम निकल जाएंगे बर्गर किंग और हल्दीराम पे। और ग्लैमर तो दिख नहीं रहा, हम वहाँ पर दिखा था ग्लैमर थोड़ा बहुत बस वृंदावन में, और तो यहाँ कहीं ग्लैमर दिख ही नहीं रहा मेरे को यहाँ पे। अभी आपको दिखेगा कहीं ग्लैमर, हल्दीराम जा रहा हूँ ना वहीं ग्लैमर मिलेगा असली मेरे को। सो गाइस फाइनली वी रीच हल्दीराम और बाइक यहाँ छाया में खड़ी करनी पड़ी यार, नहीं तो भैंस वहाँ गांड जल जाती ना ऐसी, भैंस की टमाटर लाल हो जाते हमारे पूरे के पूरे। तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट, चलते अंदर। तो देखो अभी क्या होता है, आगे बताता हूँ मैं आपको स्टोरी। बहुत भूख तो लग रही है, और पहले आ रही है मूत की धार, और मौसम अंदर ठंडा ठंडा होगा। चलो अंदर चला जाए पहले,
छोले भटूरे खाने हैं जश्न, मैं तो आऊँगा बर्गर किंग बर्गर खाने के लिए। सो गाइस फाइनली हमारे आ चुके हैं छोले भटूरे, और आपको अगर मैं इंटीरियर दिखाऊं तो इसका यार एक नंबर इंटीरियर है। मतलब ऐसा हल्दीराम का इंटीरियर मैंने मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। मतलब देख रहे हो गार्डन कहाँ कहाँ पे, टेबलिंग का, बैठने का स्टाइल, मतलब एक अलग ही तरीका है। मतलब हर चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, काफ़ी सारी बंदों की कैपेसिटी है, लेकिन इतने छोटे से एरिया में काफ़ी बंदों की कैपेसिटी है। देखो एक ही टेबल को दो टेबल कर दिया गया है, तो दो बंदे ऐसे यहाँ बैठ के खा सकते हैं आराम से। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, तो बढ़िया लग रहा है। तो लेट्स सी कैसे छोले भटूरे, बढ़िया। चलो छोले भटूरे खाते हैं, बर्गर किंग पे चलते हैं हम लोग, लेट्स सी। अच्छा सो गाइस फाइनली हम लोगों ने डाइट कोक का कैन बताया भाई कितने की है। वैसे हम 40 का बेचते हैं दुकान पे, लेकिन यहाँ पे हैं 60 रुपये के प्रिंट के साथ, देख सकते हैं आप, ये देखो साड़ा प्रिंट है। बाकी अब हम आ गए हैं बर्गर किंग में बॉगा खाने, बॉगा 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 बॉगा। तो बगा और हमारे क्रिस्पी वेज बगा हमारे आ गए क्या, मील पता चले मैं किसी को उठाना लूँ गलती से। तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट क्या होता है आगे। अब मैंने अपना ना नाखून छील गया यार, मुँह से काटते काटते ना वहाँ से खून आ रहा है और दर्द भी हो रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वापसी, जहाँ मैंने बाइक खड़ी कर थी पार्किंग में यहाँ पे मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन के नीचे। तो लेट्स सी अब हम जा रहे हैं यशर में, तो देखो क्या होता है आगे। सामान वामान मैंने प्रसाद शायद बांध लिया, मगर टांगों में दर्द हो रहा था इसलिए। तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट, चलते हैं घर सीधा, गर्मी अच्छी खासी हो गई है।